गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन टूडेज क्लास वी कंटिन्यू विद अवर टॉपिक फ्रॉम एंशियंट हिस्ट्री अबाउट द महाजनपदास। सो स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोग वैदिक सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ चुके हो। आपने ये समझा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड था 2500 से BC से लेके 1750 BC एंड देन फिर आपने वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ा 1500 BC से लेके अबाउट 600 BC तक जो है वैदिक सिविलाइजेशन और लेटर वैदिक पीरियड चला। देन स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट महाजनपदास पीरियड। महाजनपदास पीरियड का टाइम पीरियड कितना था 600 BC से लेके 325 BC के बीच में। महाजनपदास किसे कहा गया? स्टूडेंट्स, यहाँ पे महाजनपदास जो टर्म है इसका मतलब है कि बहुत बड़ी लार्ज स्टेट्स। तो ऐसा कहा जा सकता है कि एंशियंट इंडिया के टाइम पे हमारे देश में उस टाइम पे टोटल 16 महाजनपदास थी। ठीक है, सो जैसे कि फॉर एग्जांपल कल हमने डिस्कस किया था वज्जी एंड कुरु, कंबोजा, वैशाली, इस तरीके से टोटल इंडिया को 16 महाजनपदास में डिवाइड कर रखा है। तो स्टूडेंट्स, जो मैं आपको PDF प्रोवाइड करूंगा उसमें ये सारी 16 स्टेट्स के नेम लिखे होंगे। सो ये स्टेट्स इम्पॉर्टेंट क्यों थी? ये स्टेट्स जो थी ये लार्जेस्ट स्टूडेंट्स रिपब्लिकन स्टेट्स थी। आप ये कह सकते हो कि कुछ स्टेट्स मोनार्कल स्टेट्स थी, कुछ स्टेट्स रिपब्लिकन स्टेट्स थी। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? मैंने आपको पहले भी समझाया था कि मोनार्की का मतलब क्या होता है। मोनार्की का मतलब होता है कि जिस स्टेट को कोई रॉयल फैमिली लीड करिए, कोई जिस स्टेट का हेड जो है, हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? कोई रॉयल फैमिली का किंग होगा। ठीक है, और वो डायनेस्टिकल रूल वहाँ पर चल रहा है। आगे नेक्स्ट राजा का बेटा ही राजा जो है नेक्स्ट स्टेट का हेड बन रहा है। ये तो होगा मोनार्कियल रूल। अब बात करते हैं रिपब्लिकन स्टेट। जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो काशी थी, ठीक है, वज्जी थी, रिपब्लिकन स्टेट्स की बात आ गई। रिपब्लिक मीन्स जहाँ पर एक गणतंत्र राज है, जहाँ पर जो किंग है वो बाई इलेक्शन मैथड इलेक्ट हो रहा है। कोई भी सिटीजन जो है वो हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है। जैसे आज की डेट में आप देखते हो हमारे कंट्री में इलेक्शन मेथड से कोई भी पर्सन देश का प्रेसिडेंट बन सकता है। अंडरस्टैंड मींस कि उसके पास उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। तो हर एक जैसे एग्जांपल ले लो, रामनाथ कोविंद है, ठीक है, सेकंड दलित प्रेसिडेंट है कंट्री के, और बहुत लाइक आप कह सकते हो कि लोअर फैमिली से आते थे। तो इट मीन्स कि इसी तरीके से हम देखते हैं कि रिपब्लिकन स्टेट्स भी जो है महाजनपदास के टाइम पे एग्जिस्ट करती थी। सो नाउ कम टू द स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। बुद्धिस्ट लिटरेचर हमको मिलता है अंगुत्तरा निकाया एंड महावस्तु। स्टूडेंट्स, ये दो बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं, महावस्तु एंड अंगुत्तरा निकाया। इसमें हमें ये एविडेंस मिलता है कि उस टाइम पे इंडिया में टोटल 16 महाजनपदास एग्जिस्ट करते थे। अंडरस्टैंड, ऐसे ही हमको एक जैन लिटरेचर मिलता है। इस जैन लिटरेचर के जरिए हमें पता चलता है कि उस टाइम पर जो जैन लिटरेचर था भगवती सूता में हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे इंडिया में रिपब्लिकन स्टेट्स एग्जिस्ट करती थी। सो प्रेजेंस ऑफ द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदास, दैट्स द लेटेस्ट स्टेट्स। मतलब कि इन दो बड़े ग्रंथों में से हमको जो इनका लिटरेरी वर्क है उससे ये पता चलता है कि उस टाइम पर इंडिया में 16 बड़ी स्टेट्स, बिगर स्टेट्स महाजनपदास में डिवाइडेड था, वो हमको इंडिया में एग्जिस्ट मिलती थी, एग्जिस्टेंस थी। ठीक है जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स अबाउट बुद्धिज्म। तो मैंने आपको पहले समझाया था स्टूडेंट्स कि ये वो टाइम पीरियड है 600 BC के बाद का टाइम फ्रेम। लगभग आप ये कह सकते हो 6th सेंचुरी ऑफ BC मींस कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 600 साल पहले। उस टाइम पे हमारे देश में आप कह सकते हो दो नए रिलीजन बने, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। पहले हम डिस्कस करते हैं बुद्धिज्म के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जो बुद्धिज्म है, फाउंडर कौन थे बुद्ध धर्म के? गौतम बुद्ध वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। और बुद्धिज्म की सबसे इम्पोर्टेंस अगर आप देखो क्या थी, कि बुद्धिज्म जो है वो किसी भी कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करता था। बुद्धिज्म में ये बता रखा है कि सब लोग इक्वल हैं, चाहे कोई मेल है चाहे कोई फीमेल है, सब लोग जो हैं
एक समान है, मतलब कि इक्वेलिटी की बात हो रही है। सो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? 563 BC, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पे? अभी नेपाल में, ठीक है जी, लुम्बिनी में। और ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? दे बिलोंग्स टू साक्या क्षत्रिय क्लैन, ठीक है जी। कौन सी क्लैन के स्कूल से आते थे? शाक्य क्षत्रिय। सो इनको साक मुनि भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गौतम बुद्ध जी को और किस नाम से जाना जाता है, उनको शाक्य मुनि भी कहते हैं, ठीक है, शाक्य मुनि भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट है जी, उनके फादर का नेम क्या था? फादर का नेम था उनके सुदोधन। और मदर का नेम क्या था स्टूडेंट्स? उनके मदर का नेम था महामाया, महामाया, ठीक है जी। ऐसा माना जाता है स्टूडेंट्स कि जब गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ, उनके जन्म के तुरंत बाद उनकी मदर का देहांत हो गया, उनके मदर की डेथ हो जाती है। और जब गौतम बुद्ध जी का जन्म होता है तो उस टाइम पे एक बहुत बड़े जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने इस चीज़ की प्रिडिक्शन कर दी थी कि इस बच्चे का मन जो है वो बहुत चंचल होगा, मतलब बहुत जल्दी, आप कहते हो जैसे किसी का मन बहुत जल्दी चीज़ों से डाइवर्ट हो जाता है ना, इस टाइप का इसका मन होगा। तो ये बात जो है बहुत उनके जन्म के टाइम भी कोई बहुत बड़े ज्ञानी महर्षि कह गए। तो वो एक क्षत्रिय डायनेस्टी, एक क्षत्रिय कुल, एक क्षत्रिय क्लैन शाक्य क्षत्रिय से बिलोंग करते थे। लुम्बिनी नेपाल में उनका जन्म हुआ और एक राजा के परिवार में पैदा होते हैं। तो स्टूडेंट्स उनका जो जीवन था, उनकी सारा जीवन जन्म से लेके उनके लाइफ के 28 वर्ष 30 वर्ष तक महल के अंदर ही बीतते हैं। इतना बड़ा, इतना भव्य उनका महल था कि उनके महल में हर सुख सुविधा, हर एक फैसिलिटी, हर एक लग्जरी चीज़ जो है अवेलेबल रहती थी। और स्टूडेंट्स उन्होंने अपने जीवन में 28-30 वर्षों तक किसी भी इंसान को कभी दुखी नहीं देखा। उनके महल में जो भी नौकर थे, कोई किसी भी नौकर को उन्होंने कोई वृद्धावस्था, आप कहते हैं ना ओल्ड एज की स्टेज में नहीं देखा। और उन्होंने इवन कि अपने महल में कोई फूल पौधे को कभी मुरझाया हुआ भी नहीं देखा। मतलब कि उनके फादर ने हर एक चीज़ का सेटअप, हर एक चीज़ का अरेंजमेंट ऐसा कर रखा था कि कभी इसके मन में कोई सवाल ना आए। तो स्टूडेंट्स ये वो टाइम फ्रेम होता है कि जब वो 28-30 वर्ष के होते हैं, एक बार अपने महल से बाहर अपने कैरियोटर के साथ, जो उनका आप कह सकते हो सहारथी होता है, जो रथ चला के उनको गाड़ी में बिठा के, रथ में बिठा के बाहर लेके जाता है महल से। तो फर्स्ट टाइम एट द एज ऑफ 30 आप कह सकते हो जब वो महल से बाहर जाते हैं, तो वो ऐसी चीज़ें देखते हैं कि उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। आप ये कह सकते हो कि जो भविष्यवाणी हुई थी उनके जन्म पे वो अब सच होने वाली होती है। और होता क्या है, जैसे वो महल से बाहर निकलते हैं, सबसे पहले एक दुखी व्यक्ति को देखते हैं, एक दुखी आदमी होता है, उससे पूछते हैं, अपने सहारथी को कहते हैं कि 2 मिनट रुकिए, इंसान दुखी क्यों है, इससे पूछते हैं, उससे पूछते हैं दुखी क्यों है। वो कहते हैं जी मेरा कुछ ऐसा खो गया जिसको लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ, बहुत दुखी हूँ। फिर थोड़ा सा और आगे जाते हैं, एक ओल्ड एज पर्सन को देखते हैं, एक बुजुर्ग आदमी को देखते हैं, फर्स्ट टाइम देखते हैं किसी बुजुर्ग आदमी को, कहते हैं ये चीज़ क्या है, ये तो आज तक नहीं देखा। तो उनका जो सहारथी होता है वो कहता है कि साहब ये तो एक दिन इस स्टेज पे तो सबने आना है, आपको अभी तक पता ही नहीं है ये। कहते नहीं मुझे पता ही नहीं कि कोई इंसान ऐसे बूढ़ा भी होता है करके। फिर थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो वहाँ पर से एक डेड बॉडी को ले जाया जा रहा होता है, मतलब कि वो देखते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस ही नहीं की होती जो फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं। तो वो पूछते हैं कि ये क्या है, तो गौतम बुद्ध जी को उनका कैरियर जो होता है वो जवाब देता है कि ये तो इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ। वहाँ से उनका हृदय परिवर्तन होता है, वो अपने रथ से उतरते हैं और वहीं से ही वो जंगलों की तरफ चले जाते हैं सब कुछ छोड़ के। कहते हैं अब मैं घर वापस नहीं जाऊँगा, अब जब तक मैं ट्रुथ, सच की तलाश में, फॉर द एनलाइटमेंट, जब तक मुझे एनलाइटमेंट नहीं मिल जाता, जब तक मुझे एक सच की तलाश नहीं हो जाती, तब तक मैं घर वापस नहीं आने वाला। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से, मतलब कि गौतम बुद्ध जो थे वो कैसे भगवान कैसे बनते हैं, ठीक है, भगवान की उपाधि किसने दी थी उनको, ये अभी हम डिस्कस करेंगे।
तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि कैसे गौतम बुद्ध जो थे वो एक क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के जो है जंगलों में चले जाते हैं फॉर द फाइंडिंग ऑफ एनलाइटमेंट। अब स्टूडेंट्स होता क्या है उसके बाद, लगभग 12 साल भटकने के बाद या 12 साल जब वो तपस्या करते हैं, ठीक है, तो एक वो बोधी ट्री, ठीक है, बोध गया में, कहाँ पर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि एक बहुत फेमस बोधी ट्री है, कहाँ, जगह का नाम भी क्या है, बोध गया, ठीक है, गया कहाँ पे स्टूडेंट्स, ये बिहार में आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो बिहार में स्टूडेंट्स गौतम बुद्ध जी बोधी ट्री के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठे होते हैं, ये ट्री आज भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। बोध गया में आज भी बहुत बड़ी बुद्ध मॉनेस्ट्री बनी हुई है, वहाँ पर ये बोध गया में बोधी ट्री आज भी है, ठीक है, और बहुत बड़ा फेमस रिलीजियस प्लेस है आप कह सकते हो बुद्धिज्म के लिए। तो वहाँ पर बैठ कर गौतम बुद्ध जी जो है तपस्या कर रहे थे, और वहाँ पर से उनको एनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वो आप कह सकते हो कि भूखे प्यासे तपस्या कर रहे होते हैं, तो एक लेडी आती है उनके पास, उनका उनको एक एक कटोरे में आप कह सकते हो खीर दे की जाती है, तो उसके बाद वो अपने उस व्रत को अपनी तपस्या को ओपन करते हैं, खोलते हैं, देन उसके बाद से फिर उन्होंने अपने उपचार आप कह सकते हो कि उपदेश देने, लोगों को अपने सर्मन्स डिलीवर करने स्टार्ट किए थे। तो स्टूडेंट्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि गौतम बुद्ध जी ने अपना फर्स्ट उपदेश, फर्स्ट सर्मन कहाँ डिलीवर किया था, आंसर इज सारनाथ, मध्य प्रदेश, वहां पे भी एक बहुत बड़ी बौद्ध मॉनेस्ट्री बनी हुई है, ठीक है जी। तो गौतम बुद्ध जी अब किस चीज के, किस विषय के ऊपर लोगों को उपदेश दे रहे हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चेंज आ चुका था, फीमेल्स की सोसाइटी में दशा बहुत खराब हो चुकी थी, फीमेल्स लोअर क्लास आप कह सकते हो, जो लोअर कास्ट सोसाइटी पीपल थे उनकी दशा बहुत खराब हो चुकी थी। तो गौतम बुद्ध जी किस चीज़ के बारे में बात करते थे, कहते जी जो लोग रिचुअल्स नहीं कंप्लीट कर सकते हिंदुइज्म में, जो लोग अपनी बेसिक नीड्स नहीं फुलफिलमेंट कर सकते, ठीक है, वो बड़ी बड़ी रिचुअल्स कहाँ से करेंगे, ठीक है, अगर बड़े बड़े कर्मकांड को कैसे करेंगे, यज्ञ हवन कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे लोग बहुत जल्दी जो है वो बुद्धिज्म के ऊपर अट्रैक्ट हुए, गौतम बुद्ध जी की बातों का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा रहता था कि जहाँ पर भी वो जाकर उपदेश देते थे तो लोग उनके साथ हो लेते थे, ठीक है, लोग बुद्ध फॉलोअर बन जाते थे। अंडरस्टैंड, आपको आई होप समझ में आ गया होगा बेसिक पॉइंट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स बेसिकली गौतम बुद्ध जी जहाँ पर भी जाते थे वो एक फैक्चुअल बातों के साथ लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन करते थे। तो बुद्ध धर्म में बेसिकली स्टूडेंट्स एट फोल्ड पाथ की बात की गई है। एट फोल्ड पाथ मीन्स आप ये कह सकते हो कि अष्ट मार्ग की बात की गई है, मीन्स चूज द मिडल पाथ ऑफ लाइफ, ना ही हमको बहुत हाई सोचना है लाइफ में, ठीक है, ना ही हमको बहुत लग्जरियस लाइफ के बारे में सोचना है, ना ही हमको बिल्कुल लोअर लाइफ के बारे में सोचना है, हमें एक मिडल का पार्ट चुनना है लाइफ के लिए। तो गौतम बुद्ध जी इसी की बात करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बेसिक पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो पहले कुछ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो, फिर आगे हम एट फोल्ड पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है, टेक योर टाइम, नोट दिस पॉइंट्स। ओके, नाउ स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो गौतम बुद्ध जी डिलीवर हिज फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ। स्टूडेंट्स सारनाथ में गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था, जहाँ पर जो उनके फॉलोअर थे, डिसाइपल्स थे, वो आते हैं और गौतम बुद्ध जी उनको सारनाथ में अपना पहला उपदेश देते हैं। सारनाथ कहाँ पे स्टूडेंट्स, आज की डेट में आप कहोगे मध्य प्रदेश में, MP में, ठीक है जी। तो बहुत फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनी हुई है वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स एट फोल्ड पाथ। एट फोल्ड पाथ की बात हो रही है, मतलब कि जो अष्ट मार्ग, ठीक है, जो अष्ट सिद्धांत
जो गौतम बुद्ध जी ने लोगों को ऑब्जर्व करने को कहा था, राइट ऑब्जर्वेशंस, राइट रिटेनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन एंड राइट एक्सरसाइज। इसका मतलब ये है कि हमको हमेशा सही बोलना चाहिए, सही कर्म करना चाहिए, ठीक है, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। आप जैसा सोचोगे आप वैसा बनोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यही गौतम बुद्ध जी कहते हैं, बेसिक बातें जो हम डेली लाइफ में अपनी सुनते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टूडेंट्स, लाइफ इज फुल ऑफ सोरो। गौतम बुद्ध जी क्या कहते हैं, बुद्ध धर्म में यही बता रखा है कि जो जीवन है वो दुख से भरा हुआ है, लाइफ इज फुल ऑफ सोरो। और दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है, डिजायर इज अ रूट कॉज ऑफ द सोरो। मतलब कहते जी किसी भी चीज की इच्छा होना और आपको वो चीज नहीं मिल पा रही, इसलिए आपका मन उदास है, इसलिए आप बहुत दुखी हैं, ठीक है। सो मेन लाइफ का एम क्या होना चाहिए, निर्वाणा, ठीक है। लाइफ का मेन एम क्या होना चाहिए, निर्वाणा। मीन्स कि हमें बहुत ज्यादा किसी भी चीजों की डिजायर नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये बुद्ध धर्म में सिखाया जाता है, ठीक है। सो एट द एज ऑफ 80 इन 483 BC, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। उनकी पास अवे कहाँ पर कर गए थे, तो कुशीनगर यूपी में। सो गौतम बुद्ध जी की जो डेथ है, आप कहोगे 80 ईयर्स की एज में 483 BC में कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर इन यूपी, उत्तर प्रदेश में। अब स्टूडेंट्स कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बुद्ध धर्म किस लैंग्वेज में उनका लिटरेरी वर्क है, ठीक है, और बुद्ध धर्म का जो प्रचार है वो किस भाषा में किया गया था, किस लैंग्वेज में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए पाली लैंग्वेज, ठीक है जी, पाली लैंग्वेज। तो पाली लैंग्वेज जो है स्टूडेंट्स, ये टोटली डिफरेंट लैंग्वेज है संस्कृत लैंग्वेज से, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पाली लैंग्वेज में उनके जो ग्रंथ है, महाग्रंथ, ठीक है, जिनको त्रिपिटकास कहा गया, वो लिखे गए हैं। कौन कौन से हैं, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम्म पिटक। तो ये त्रिपिटक्स जो हैं स्टूडेंट्स, ये बुद्ध धर्म के बहुत फेमस लिटरेरी वर्क है, ठीक है। तो ये जो त्रिपिटक्स के नेम आपको पता होना चाहिए, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम्म पिटक। इसके अलावा स्टूडेंट्स पाली लैंग्वेज में एक बुक लिखी गई है, जातका स्टोरीज, जातका स्टोरीज। ये जातका स्टोरीज क्या है स्टूडेंट्स, ये स्टोरीज बेसिकली गौतम बुद्ध के जन्म और मरण को लेके, उनके लाइफ्स को लेके, और उनके नेक्स्ट, आप कह सकते हो ना कि जैसे मृत्यु के बाद अगला जन्म होता है, तो इस बेसिस पे कहानियां लिखी गई हैं जातका स्टोरीज। तो गौतम बुद्ध जी की ही कहानी है, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक पॉइंट समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जातका स्टोरीज किस पर लिखी गई है, गौतम बुद्ध जी की जीवन को लेके, उनकी जन्म मृत्यु को लेके, ठीक है, कहानियां लिखी गई हैं। किस लैंग्वेज में लिटरेरी वर्क है बुद्ध धर्म का, पाली लैंग्वेज में। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पिटक्स हैं, थ्री पिटक्स, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है जी। आपको बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए, एट फोल्ड पाथ बेसिक पॉइंट है, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ठीक है। जस्ट आपको पता होना चाहिए क्या क्या है, कि सही बोलो, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट ऑब्जर्वेशन, राइट लिवलीहुड, ठीक है, आपको हमेशा अच्छे से रहना चाहिए, सही सोचना चाहिए। तो ये बेसिक पॉइंट है और कुछ भी नहीं है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अपना फर्स्ट सरमन उन्होंने, अपना उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में, MP में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक पॉइंट्स हैं, आप नोट कर लो, टेक योर टाइम। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट वन इज थ्री रत्ना, थ्री ज्वेल ऑफ बुद्धिज्म भी कहा जाता है। थ्री रत्ना मीन्स बुद्धा, धम्मा, संगा, ठीक है। ये थ्री रत्न तीन मेन ऐसे अंग कहे गए हैं बुद्ध धर्म के, ठीक है। बुद्धा मीन्स नॉलेज, ठीक है, धम्मा मीन्स आप कह सकते हो कि जहाँ पर बात की जाती है ट्रूथ की, ठीक है। संघ मीन्स कम्युनिटी, जहाँ पर बात की जाती है कि लोगों की, सोसाइटी की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बुद्ध धर्म बाद में जाके दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था, ठीक है। जो बुद्ध धर्म था वो बाद में जाके दो गुटों में आप कह सकते हो बट गया, एक था हीनयाना और महायाना, दूसरा था महायाना, ठीक है। 483 BC में जब गौतम बुद्ध जी की डेथ होती है, उनके एक्सपायर होने के बाद, ये सेक्ट आगे जाके डिवाइड हो जाता है हीनयाना में और महायाना में,
स्टूडेंट्स बेसिकली बुद्ध धर्म जो है वो किस चीज की बात करता है? बुद्ध धर्म कहता है कि आइडल वर्शिप नहीं होनी चाहिए, मूर्ति पूजन की खिलाफ था, लेकिन गौतम बुद्ध की डेथ के बाद उनको ही मूर्ति बना के पूजना शुरू कर दिया। इवन स्टूडेंट्स सोसाइटी में बुद्ध धर्म ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डाला अपना, मतलब बहुत जल्दी लोग अट्रैक्ट हुए, लेकिन फिर भी बुद्ध धर्म एक ऐसा धर्म, आप ये कह सकते हो कि इंडिया में आज की डेट में बहुत कम लोग बुद्ध फॉलोअर हैं। बुद्ध धर्म की शुरुआत इंडिया से ही हुई थी, लेकिन इंडिया में ही सबसे कम फॉलोअर बुद्ध धर्म के हैं। ये आगे हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो देखते हैं अशोका जो था, ठीक है, मौर्य एम्पायर का, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर अशोका, इसने भी बाद में बुद्ध धर्म अपनाया था, बहुत बड़ा बुद्ध धर्म का सपोर्टर बन जाता है। पहले तो इतनी बड़ी कलिंगा वॉर लड़ता है जिसमें 100,000 से ज़्यादा लोग मर जाते हैं, फिर बाद में बुद्ध धर्म अपना रहा है, ठीक है जी, बाद में सब कुछ वॉर वगैरह सब कुछ त्याग दिया इसने। और इसके टाइम पे थर्ड काउंसिल हुई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल, काउंसिल मतलब इतनी बड़ी एक, अभी पढ़ा ना आपने संघ, इतनी बड़ी एक सभा हो रही है वहां पर, इतनी बड़ी कम्युनिटी, सभी कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं, ठीक है, वो लोग आ रहे हैं और बुद्ध धर्म के जो आगे अनुयायी हैं, आप कह सकते हो जो बुद्धिस्ट के जो डिसाइपल्स थे, ठीक है, वो आगे लोगों को प्रीच कर रहे हैं, आगे लोगों को गाइड कर रहे हैं, बुद्ध धर्म के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे बड़ी इसने ऑर्गेनाइज कराई थी बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका ने। उसके बाद नेक्स्ट एक रूलर था कनिष्क, इसके बारे में पढ़ेंगे, राजा कनिष्क के बारे में। इसके टाइम पे स्टूडेंट्स साका इरा जो है शुरुआत हुई थी, जो हमारा आप कह सकते हो इंडिया का कैलेंडर है, इंडियन कैलेंडर है, ठीक है। तो साका इरा जो है कनिष्क, राजा कनिष्क के टाइम पे शुरू हुआ था। इसके टाइम पर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है जी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। इस ये भी बहुत बड़ा डिसाइपल बन गया था गौतम बुद्ध जी का, ठीक है, बुद्ध धर्म को फॉलो करने वाला बहुत बड़ा राजा, ठीक है, इतना बड़ा राजा और बाद में बुद्ध धर्म फॉलोअर बन जाता है। नेक्स्ट पाला रूलर ऑफ बंगाल एंड बिहार, बिहार और बंगाल रीजन में जो पाला डायनेस्टी, पाल वंश के जो राजा थे, ठीक है, गोपाला धर्मपाला, उन्होंने भी बाद में बुद्ध धर्म अपनाया था। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा भी बुद्ध धर्म को अपना रहे थे, फिर भी बुद्ध धर्म जो है इंडिया में टोटली स्प्रेड नहीं हुआ। उसके कई सारे कारण थे स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल कि कुछ ऐसे फैक्ट्स जहां पर गौतम बुद्ध जी बहुत हद तक सही भी होते थे। गौतम बुद्ध जी रिचुअल्स के खिलाफ थे, जो रीति रिवाज कुछ ऐसे थे, मान लो कि जो आप कह सकते हो सोसाइटी का एक सेक्शन, एक पुअर सेक्शन नहीं प्रैक्टिस कर सकता था, ठीक है, नहीं उन रीति रिवाजों को, कर्मकांड को कर सकता था। ये बात बिल्कुल सही थी गौतम बुद्ध जी की। दूसरी बात, गौतम बुद्ध जी कहते थे कि लोग आइडल वर्शिप क्यों करते हैं, आइडल वर्शिप के खिलाफ थे, ठीक है। अब जो ब्राह्मणिकल कलैन से होंगे, जो लोग ब्राह्मण कुल से होंगे, वो गौतम बुद्ध जी के सख्त खिलाफ होंगे, कहेंगे जी आपको इस चीज़ की क्या प्रॉब्लम है। अब तीसरी सबसे बड़ी बात, जो आदि शंकराचार्य थे, उन्होंने गौतम बुद्ध के जो बाद में जो डिसाइपल हुए उनको बहुत बार डिबेट्स में हराया कि कैसे हिंदुइज्म जो है वो बहुत ऊपर है बुद्धिज्म से। और स्टूडेंट सेकंड थिंग, बुद्धिज्म बात करता है टोटली नॉन वायलेंस की, अहिंसा की, कि कोई मारकाट नहीं करनी, कोई लड़ाई नहीं करनी, आपने हमेशा जो है नॉन वायलेंस के ऊपर चलना है। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया का जो ये एरिया रहा है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, स्टूडेंट्स इस रीजन से वेस्ट एशिया से, ठीक है, इंडिया के ऊपर हमेशा हमलावर आते रहे हैं। चाहे वो अलेक्जेंडर की बात करो आप, चाहे आप कहो कि इंडिया पे मुस्लिम इन्वेजन होता रहा। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि अगर कोई आपके ऊपर अटैक करने आ रहा है आपकी कंट्री में, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो नॉन वायलेंट ही रहेंगे? ये पॉसिबल नहीं था कई सारे रूलर्स के लिए, कई सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स के लिए, कि वो बुद्ध धर्म को फॉलो कर पाते। यही सबसे बड़ा कारण था स्टूडेंट्स कि इंडिया के ऊपर टाइम टू टाइम हमले होते रहे, जिसके कारण कि बुद्ध धर्म जो है बहुत सारे रूलर्स के लिए आप कह सकते हो कि नहीं बना था।
एंड स्टूडेंट्स बेसिकली गौतम बुद्ध जी की डेथ के बाद ये रिलीजन दो सेक्ट्स में डिवाइड हो जाता है, हीनयाना एंड महायाना। ठीक है, एक में कुछ आप कह सकते हो कि मैजिस्टिक प्रैक्टिसेस शुरू हो जाती हैं, तंत्र मंत्र की प्रैक्टिसेस शुरू हो जाती हैं, और एक में आइडल वर्शिप को टोटली नकारा गया, कहते हैं आइडल वर्शिप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हीनयाना में और महायाना में आप कह सकते हो कि सालवेशन और मैजिकल प्रैक्टिसेस की बात की गई है। ठीक है, तो बहुत बड़े लेवल पे स्टूडेंट्स इंडिया में बुद्ध रिलीजन स्प्रेड होता है, कई सारे रूलर्स, कई सारे राजा महाराजा इसको अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि पाला डायनेस्टी के रूलर्स थे, राजा कनिष्क था, राजा अशोका था। अशोका ने अपने बेटे को और अपनी लड़की को गौतम बुद्ध के धर्म को स्प्रेड करने के लिए श्रीलंका भेजा था कि जाओ कि बुद्ध धर्म को दूसरे स्टेट्स में, दूसरी कंट्रीज में भी जाके स्प्रेड करके आओ। ठीक है जी, लेकिन बात वही आ गई कि इंडिया में स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि बहुत बड़े लेवल पर कई सारे इन्वेडर्स आते रहे। आगे अब हम उन इन्वेडर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं था कई सारे रूलर्स के लिए कि वो बौद्ध धर्म को टोटली अडॉप्ट कर पाते। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बेसिक पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नोट कर लो इनको, टेक योर टाइम। सो स्टूडेंट्स, जैसे हमने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा, ऐसे ही हम जैनिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे, और देन उसके बाद हम फिर इंडिया में, एंशंट इंडिया में कौन कौन सी डायनेस्टीज ने रूल किया उसके बारे में समझेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, आप इनको अच्छे से रिवाइज करो, जो भी आपको डाउट लगे आप वीडियो को रिवाइंड करके देखो। ठीक है, और इनकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।